नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़। अयोध्या में पहले बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और अब कई दर्जन महापौर रामलला के दर्शन के साथ साथ राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति और अयोध्या डेवलपमेंट देखने आए हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री व अयोध्या से विधायक रह चुके तेज नारायण पांडे पवन ने तंज कसा है। पवन पांडे का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विनाश के रास्ते पर प्रदेश को ले जा रहे हैं। आज प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में जब चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है और बीजेपी सरकार को लग रहा है कि अब सपा की सरकार आने वाली है, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री व कई दर्जन मेयर ये बताने आए हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई कार्य नहीं किया, बीजेपी के लोग परेशान हैं, यही धर्म के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। हालांकि अयोध्या में किसी को आने जाने पर कोई रोक नहीं है। को इस चुनाव में अपनी ब्रांडिंग रूप में पेश करना चाह रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि 2017 से लेकर और आज की डेट तक उत्तर प्रदेश को जो विकास के रास्ते पर ले जाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी ने किया था, उस रास्ते से हटाकर विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, भूख, बेबसी, लाचारी की भट्टी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने झोंक दिया है। और आज जब चुनाव का समय है, चुनाव होने जा रहा है, 15-20 दिन बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने जा रही है, और जब योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दर्जन मेयर ये बताने आ रहे हैं अयोध्या कि योगी जी ने कुछ नहीं किया है और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। ये लोग बहुत परेशान हैं, क्या बताएं? बताने के लिए योगी जी के पास कोई काम है नहीं, तो इसी सब बहाने ही अपनी राजनीति के धर्म के नाम पे जो इनका कारोबार है, जो ये धर्म के नाम पे राजनीति रोटी सेकते हैं, वही प्रक्रिया जारी है। लेकिन जनता ये जान चुकी है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेबसी, लाचारी, नौजवानों के हाथों में कटोरा, किसानों की आय दुगनी करने की बात कहके उनको कटोरा थमा दिया, भुखमरी के कगार पर ले आए। तो पूरा उत्तर प्रदेश ने जो तकलीफें झेली हैं इन 5 सालों में, उन तकलीफों को जनता इस बार दूर करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाएगी। बाकी ये मेयर और मुख्यमंत्री भी जो आ रहे हैं, ये भाजपा की दुर्दशा को देख करके निश्चित रूप से बहुत चिंतित होंगे, लेकिन बोल भले नहीं पा रहे होंगे क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है। और निश्चित रूप से बाकी कोई आए दर्शन करे, आए जाए, उसमें कोई टैक्स नहीं है, आने जाने पर कोई रोक नहीं है,